अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं हारिस अजमी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। हफ्ते की खबरें बहुत उमदा हैं जेमिनाइज। पिछले हफ्ते से आपकी लक बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। मैं जब कैलकुलेशंस करता हूं तो अंदर से मुझे एक सर्टन खुशी हो रही थी। आई लव जेमिनाइज। एक तो इमोशनल बहुत ज़्यादा, ह्यूमरस, लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव, ये वो सारी क्वालिटियाँ हैं जो जेमिनाइज को इंसानियत के लिबादे में एक बेहतरीन पर्सनैलिटी देती हैं। सो, इस हफ्ते भी सितारों की चाल आपके लिए बहुत मुसबत है। इस सितारों की चाल से आप डिसिप्लिन हासिल कर सकते हैं और उस डिसिप्लिन से आपके अंदर खुद एतमादी आएगी। डिसिप्लिन से एक और भी चीज़ आई, अगर कहीं कोई अनहेल्दी बिहेवियर ऑफ लाइफ आपके साथ लग गया था, जुड़ गया था, आप एडिक्शन में चले गए थे, आपको आदतें पड़ गई थी बुरी, तो ये डिसिप्लिन के सितारे आपको दोबारा सपोर्ट करेंगे और आप अपनी उन आदतों से बाहर आ सकेंगे। दूसरा, आपको उकताहट ख़त्म होगी, आपकी दिलचस्पी के अमूर बढ़ रहे हैं, आपको सुबह अच्छी लगेंगी, फूल खिलते हुए अच्छे लगेंगे, मौसम अच्छे लगेंगे, लोगों के बिहेवियर्स अच्छे लगेंगे, आपके अंदर माफ़ कर देने की सलाहियत बढ़ रही है, कुर्बानी देने का जज्बा बढ़ रहा है। इस सलाहियत से स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जब आप दूसरों को माफ़ करने के जज्बे से आगे बढ़ते हैं, चाहे वो स्टार से ही मिला हो, तो उसका इम्पैक्ट आपकी शख्सियत पर, आपके किरदार पर आता है। लोग आपसे ज़्यादा आसानी से मामला तय कर लेते हैं, आपकी कंपनी, आपकी सोहबत को अच्छा महसूस करते हैं और उससे फिर पीआर बढ़ती है और पीआर से जो अदरवाइज एडवांटेजेस हैं वो मिल पाते हैं। आपके अंदर फ़र्ज शनासी, फर्मा बरदारी, और इस फर्ज शनासी और फर्मा बरदारी की वजह से आपके जॉब पर भी हालात अच्छे हो जाएंगे, आपके घर में भी हालात अच्छे हो जाएंगे, या अगर आप बिजनेसमैन हैं या किसी और तरह का कोई काम करते हैं जिसमें आपकी मसरूफियत की वजह दूसरे लोग थे, दूसरे लोगों से इंट्रैक्शन था, तो वहाँ पर भी हालात अच्छे हो जाएंगे। तमाम जेमिनाइज जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देखेंगे कि सराउंडिंग उनके लिए फर्मा बरदारी इख्तियार कर रहा है, बॉसेस से उनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, कशीदगी ख़त्म हो रही है, आपका जॉब पर दिल लगेगा, आप अपने मामलात को, अपने फ़राइज़ को सही अंदाज से निभा सकेंगे, इससे आपकी इज़्ज़त अफजाई भी होगी। और दूसरा, जो बिज़नेस कर रहे हैं और वो जेमिनाइज़ हैं, उनके अंदर आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव माइंड बढ़ेगा, जो चीज़ें पहले फैसल नहीं हो पा रही थी बड़े आराम से फैसले कर लेंगे, बहादुरी का पहलू भी आएगा। दोहरी सोच तो बहरहाल एक वीकनेस है और वो जेमिनाइज़ में समझे कि नेचुरल एक डिफ़िकल्टी है और उसको ओवरकम करने के लिए मैं बीसियों दफ़ा ये रेमेडी दे चुका हूँ। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम करता था तब भी मैं बीसियों दफ़ा कह चुका हूँ कि जेमिनाइज को एमरल्ड पहन लेना चाहिए, ये एक वीकनेस है, उसको रिकवर कर लिया जाए। दोहरी सोच है, अक्सर इब्तदाई मुश्किल से घबरा के काम छोड़ देने को दिल करता है, दूसरों से बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, दूसरों से बहुत इज़्ज़त अफजाई चाहते हैं, जब इज़्ज़त अफजाई नहीं मिल पाती तो एजिटेट हो जाते हैं, इरीटेट हो जाते हैं, तो उस सेक्टर को बहुत आसानी से ये एमरल्ड रिकवर कर देगा। एमरल्ड को उर्दू में ज़मरूद कहते हैं, ग्रीन कलर का बहुत खूबसूरत पत्थर है, पाकिस्तान से जो निकलता है ये ज़रा पैरट ग्रीन होता है, थोड़ा लेस ग्रीन जिसे कह सकते हैं, और जो जैम्बिया से या ब्राज़ील से या अफ्रीका से आता है वो डार्क ग्रीन होता है, चूर ग्रीन, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल वो ज़रा गहरे रंग का होता है। जो बुरी खबरें हैं उनमें इरादों को मजबूत रखिए, ये उसी के पस मंज़र में मैंने बात कही है, क्योंकि दोहरी सोच पैदा होगी तो इरादे फिर शेक हो जाते हैं। इरादों को मजबूत करने के लिए ये एमरल्ड है, सूरह इखलास है, वो बहुत उमदा है। सूरह इखलास के पढ़ने से बंदे का एतमाद, ईमान तजदीद भी हो जाती है और ईमान में भी इजाफा होता है। दूसरा, दिस इज़ अ टाइम टू एक्शन, नॉट ओवर एक्शन, ज़्यादा काम ना करें, स्मार्ट काम करें। स्मार्ट काम करने से आपको फ़ायदा होगा, एक्यूरेट, अकलमंदी, आपका टूल ऑफ लाइफ जो है, टूल ऑफ सक्सेस जो है वो माइंड साइंसेज हैं, आपके हाफ़ा, आपका आईक्यू लेवल, आपकी बारीक बीनी, आपके सीखने का प्रोसीजर, ये बड़ी उमदा चीज़ें हैं, इनको ब्रुएकार लाएँ। बहुत ज़्यादा मस्कुलर होने की, पहलवान सिफ्त काम करने की, पत्थर तोड़ने की, खुदाल चलाने की, हथौड़े चलाने की ज़रूरत नहीं, आपको अपना सिर्फ दिमाग चलाना है और उसी में कामयाबी मिलेगी। हिम्मत और जुर्रत में क्योंकि इजाफा एक्सपेक्टेड है, इसलिए आसानी से आपको ये सब चीज़ें मुयस्सर भी आ जाएंगी। साथ में ये जो सूरह इखलास है जो मैंने बताई, कुल अल्लाहु अहद, इसके शुरू और एंड पर दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़िए। लाइट कलर ज़्यादा इस्तेमाल करिए, डार्क कलर्स को ज़रा अवॉइड करिए, तो ये आपके लिए मुफीद होगा। हफ्ते में काफ़ी खबरें सुना दी, इससे 7 दिन आराम से गुजर जाएंगे। अगले हफ्ते की खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए, दोस्तों को भी टैग कर दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के अच्छे डिसीजन ले सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।